फलों का राजा कहे जाने वाला आम, जिसे संस्कृत में आमला भी कहते हैं, आज पूरी दुनिया में अपने अद्भुत स्वाद के लिए विख्यात है। माना जाता है कि आम आज से करीब 5000 साल पहले भारत में उगाया गया था। हिंदू धर्म में आम को देवताओं का फल कहा गया है। इस अद्भुत वृक्ष की कलियां, लकड़ियां, फल और लगभग सभी भाग हिंदू धर्म में अति पवित्र माने गए हैं। इसी कारण आज भी हिंदू धर्म के लगभग हर शुभ कार्य में आम की लकड़ियों, पत्तियों या फलों का प्रयोग होते हुए देखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ज्योत्सना और आप देख रहे हैं हमारा धार्मिक चैनल भक्ति सरोवर। आज भी हमारे देश में आम से भरी टोकरी किसी को भेंट करना मित्रता का सूचक माना जाता है। रामायण की एक कथा में भी इस वृक्ष का उल्लेख मिलता है। आइए जानते हैं क्या है फलों के राजा आम का इतिहास और क्या संबंध है इस अद्भुत फल का हनुमान जी से। कथा कुछ इस प्रकार है। जब माता सीता की तलाश में श्री बजरंगबली समुद्र को पार करके लंका पहुँचे, तब उन्हें यह पता चला कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। श्री हनुमान जी तब अशोक वाटिका पहुँचे और माता को श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका दिखाई और श्री रामचंद्र का संदेश दिया। कुछ देर बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका में लगे आम के वृक्षों को देखा, जिन पर अत्यंत ही मनमोहक फल लगे हुए थे। इन फलों को देखकर हनुमान जी के मुंह में पानी आ गया और तब हनुमान जी ने माता सीता से इन फलों को खाने की अपनी इच्छा बताई। माता सीता से आज्ञा लेकर श्री हनुमान जी इन पेड़ों पर चढ़ गए और फलों को खाने लगे। जब हनुमान जी ने फलों को खाना शुरू किया तो वह इन फलों के अद्भुत स्वाद से तृप्त हो गए। हनुमान जी को यह फल इतना पसंद आया कि उन्होंने यह फल श्री राम जी को भेंट करने का निश्चय किया। जब लंका दहन करने के बाद हनुमान जी वापस लौटने लगे, तब उन्होंने एक बड़ी सी गठरी में ढेर सारे आम के फलों को बांध लिया और अपने साथ ले आए। वापस लौटने पर हनुमान जी ने श्री राम जी को लंका और माता सीता का सब हाल बताया। कुछ देर बाद हनुमान जी ने लंका से लाए हुए इन आम के फलों को प्रेम पूर्वक श्री राम जी को भेंट किया। हनुमान जी द्वारा भेंट किए गए इन फलों को खाकर भगवान राम भी आनंदित हो गए और हनुमान जी से इस फल की तारीफ करने लगे। तब श्री राम लक्ष्मण सहित सभी लोगों ने आम के इन मीठे फलों के स्वाद का आनंद लिया। तब फलों को खाकर गुठलियों को फेंक देने के कारण ही इन गुठलियों से नए आम के पौधों का जन्म हुआ। बाद में यहीं की गुठलियों से देश में हर जगह इन वृक्षों का विस्तार होता चला गया। आम का यह अद्भुत फल भगवान श्री राम की जूठी गुठलियों से ही भारतवर्ष में जन्मा है। इसी कारण आम के इस अद्भुत फल को भगवान श्री राम का प्रसाद माना जाता है। माना जाता है कि जब आम के पेड़ों पर कलियां या फल लग जाते हैं, तब इस वृक्ष पर श्री हनुमान जी का निवास होता है, जिस कारण किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति आम के पेड़ के पास से दूर हो जाती है। इसी कारण हिंदू धर्म में आम के पेड़ को घर में लगाना शुभ माना गया है। प्रेम और निष्ठा का प्रतीक है आम। भागवत पुराण में आम के फल का उल्लेख मिलता है। कई अन्य हिंदू पुराणों, रामायण और महाभारत में भी आम का उल्लेख किया गया है। इनके अनुसार आम को अनंत जीवन और प्रेम का प्रतीक कहा गया है। आम के फूलों का प्रयोग माता सरस्वती की पूजा में भी किया जाता है। माता सरस्वती को आम के यह फूल अति प्रिय हैं। आम की पत्तियों को जीवन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में पूजा या हवन के समय एक मटकी में पानी भरकर रखा जाता है, जिसके किनारों पर आम की पत्तियां लगाई जाती हैं और सबसे ऊपर एक नारियल रखकर इसे भगवान के सामने रखा जाता है। इस प्रकार रखी गई सभी सामग्री को पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। इस पूर्ण कुंभ को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यहाँ नारियल को दिव्य चेतना, मटकी को धरती माँ, जल को प्राणदायिनी और आम की पत्तियों को जीवन स्वरूप माना जाता है। जीवन में सौभाग्य और समृद्धि लाता है आम। कई अवसरों पर आपने आम की पत्तियों को घर के मुख्य द्वार पर तोरण की तरह लगा हुआ देखा होगा। यह माना जाता है कि इस प्रकार से आम की पत्तियों को घर के द्वार पर लगाने से जीवन में सौभाग्य और समृद्धि आती है। साथ ही
इन्हें लगाने से किसी भी प्रकार की बुरी नजर भी घर पर या घर में रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ती है। वृक्षायुर्वेदा में कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में 5 या 6 आम के वृक्ष लगाता है, उसे भी गरुड़देव की कृपा होती है और वह मनुष्य जीवन भर प्रसन्न रहते हुए देवताओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। जैन और बौद्ध धर्म में भी आम को विशेष फलदायी माना गया है। दोस्तों, आम के अद्भुत फल और श्री राम भक्त हनुमान से इस फल के संबंध पर आधारित आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमें आपकी टिप्पणियों का हमेशा इंतजार रहता है। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हिंदू धर्म में आम के महत्व का पता चले। ऐसे ही अन्य रोचक और धार्मिक कथाओं के बारे में जानने के लिए कृपया हमारा चैनल भक्ति सरोवर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ हम आपसे जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।